चल चल ओरे मेरे प्यारे, हर हर नर्मदे बोल के तू चल, मैया अमर कंठी वाली के पीछे पीछे। हम फिर आ गए आज नए एपिसोड लेके। तो चलिए गुरु परमहंस ज्ञानानंद महाराज जी के मुँह से सुन लेते नर्मदा परिक्रमा के नेक्स्ट एपिसोड कहाँ तक पहुँचे और आज का अनुभव। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, यह संसारी खलु दुस्तारी कृपया पारे पाहि मुदारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मति तुम विषय के फंदे में फंसे हुए हो, तुमको भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए। एक माघ महीना चल रहे हैं, माघ महीना में हर साल गंगा जी जमुना जी सरस्वती जी तीन का संगम स्थल है प्रयागराज, वहीं पर कल्पवास करने के लिए सारे भारतवर्ष के जिनकी रुचि हो वो जाते हैं। माँ नर्मदा जी के किनारे जहाँ तहाँ नर्मदा जी की जयंती के उपलक्ष्य में अमावस्या के पहले से ही मेला बसा हुआ है। केवल मेला नहीं है, मेला देखने के लिए धर्म प्राण नर नारी बहुत दूर से पूछने से पता चला 70 किलोमीटर दूरी से उन लोगों ने दंडवती प्रणाम करते हुए घर से निकले। माई के किनारे तक पहुंचने के पहुंचते उनका बहुत समय लगा, लेकिन बड़ी आश्चर्य वाली बात है, सारे कष्ट को सहन करते हुए उन लोगों ने नर्मदा जी के प्रियतम प्रीति उत्पादन के लिए चले आते हैं दंडवती प्रणाम करते करते। माता लोगों को ज्यादा तरह दिखा, पूछने से माई के तरफ स्नान करने के लिए जा रही थी, पूछने से बड़े हसमुख के बता दिया ये दंडवती प्रणाम है। सारे अंग उनका धूल से रमा हुआ गए, वस्त्र कीचड़ भरा हुआ गए, शरीर से पसीना से लथपथ गए। माई लोग हसमुख होके जा रही थी, क्यों ना उनका जो अनुष्ठान है 70 किलोमीटर दूर से वो परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। दंडवती परिक्रमा उस समापन हो चुका है। जब आप कोई खेती के लिए मेहनत कर रहे हैं, खेत में हमारा फसल आ जाएंगे, जब तब आपका इतने दिन का मेहनत जो है भूल जाते हैं। तो परिक्रमावासी ये सारे देखते हुए अपना हिम्मत बांध लेते हैं। परिक्रमा में कठिनाई कम नहीं है, लेकिन हिम्मत बांधने वाले कौन है? अपने आगे जो जा रहा है वो आपसे भी ज्यादा कर रहे हैं। ये जब उनके नजरों में आ जाता है तब हिम्मत बांध के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो पीछे हो जाते। सवेरे सवेरे आ रहे थे, माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट से एक पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, जो प्राचीन काल के ऋषियों ने अपनी वार्तालाप स्वाभाविक रूप में करते समय संस्कृत भाषा देवनागरी भाषा, प्राचीन काल के ऋषियों ने देवताओं ने इसी भाषा में बातचीत करते थे, जिसको संस्कृत भाषा कहा जाता है, वही भाषा वो लोग अभ्यास करते हैं। एक शब्द को एक एक लाइन को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। कारण क्या है? हमारे मन में ही उसी का छाप लग जाए बचपना में तो भूलने वाले नहीं है, बुढ़ापा तक अंतिम समय तक अपनी याद रह जाता है। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत जी, उनमें एक प्रसंग है जो प्रसंग कहते हैं मगरमच्छ के साथ एक हाथी का लड़ाई हो रहा था 100 साल तक। लड़ाई करते करते हाथी थक गए, जलचर्ची मगर
बहुत बड़ा जबरदस्त थे। उन्हें इतने बड़े हाथी को जल के भीतर खींच रहे थे। 100 साल बीतना के बाद जब हाथी ने देखा मेरा अंतिम समय आ पहुंचा है, मेरा मृत्यु नजदीक है, अब क्या करना चाहिए। अंतिम समय जब आ पहुंचता है, सारा संसार की इतने दिन तक जिनको उन्होंने अपने भरोसा समझ के देखते थे, अपनाते थे, मेरा मेरा कहते थे, आज उनका कोई अपना नहीं है, सब चले गए, पुत्र परिवार पत्नी सब चले गए, भरोसा केवल भगवान ही है। उनके ऊपर भरोसा करके भगवान के जब एकाग्र चित्त से पुकारते रहते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके मन में ये भी आ जाते हैं जन्म जन्म के जो उनने किया था पहले जन्म में, उनका संस्कार जागृत हो जाते हैं। हाथी का मन में ये हो रहा था, पहले जन्म में उनने भगवान के प्रिय भक्त थे, द्रविड़ देश के राजा थे, वही राजा के मन में ये आ पहुंचा, मैं भगवान की भक्ति करता था, तो सामने देखा कमल फूल खिले हुए थे, कमल फूल को उखाड़ लिया, सूंड से उखाड़ के भगवान के प्रति प्रार्थना करने लगे। हे परमात्मा, आपकी चेतनामय शक्ति से सारे जीव जगत चेतना प्राप्त करते हैं, अब चैतन्य स्वरूप हैं, अब सच्चित आनंद स्वरूप हैं, वही अंतर्जामी अमर आत्मा मेरे हृदय में आपकी निवास है। मैं विपत्ति में पड़ा हुआ हूं। विपत्ति क्या है जीवन का? मृत्यु। जब मृत्यु का समय सभी के सामने आप पहुंचते हैं तो हजारों बिच्छू काटने से क्या होता है, ये समझाने का बात नहीं, अनुभव की बात है। तो उसी प्रकार शरीर में जातना उपस्थित हो जाते हैं, उसके लिए अगर भगवान की स्मरण मनन निधि ध्यास न करूं तो मृत्यु मंगलमय किसी का भी नहीं होता है। तो हाथी ने पुकारा, पुकारते श्रीहरी गरुड़ पर सवार होके तुरंत उनके पास पहुंच के उनके उद्धार किया था। तो वही विद्यार्थियों को उनके जो गुरुदेव हैं, जो सिखाने वाले शिक्षक, वो सिखा रहे थे पाठ, पर उसके साथ साथ अब नवरात्र के उपलक्ष्य में सुना रहे थे सप्तशती चंडी का 4th अध्याय। महिषासुर निधन होने के पश्चात देवताओं ने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो के भगवती दुर्गा माई के पास प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवती माँ, सहिषा प्रसन्ना भगवती मुक्त है, जिनके प्रसन्नता से जीव का मोक्ष गति प्राप्त हो जाता है, वही माता जी को मैं वंदन करता हूं। ये सारे स्तोत्र पाठ इस पार से बड़ी प्यार से सवेरे सवेरे उन लोग पाठ कर रहे थे, ब्रह्मचारी लोगों ने। फिर तीर्थ यात्री आगे बढ़ रहे थे, आके पहुंचे मणिबाई आश्रम, उनको शाम को पहुंचना था। मणिबाई आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने आश्रम का संस्थापक एक माता जी थी, वो परलोक हो गई, परलोक के बाद उनकी देखरेख करने के लिए दूसरी एक माता जी उपस्थित हैं। कितनी भी परिक्रमावासी आ जाए, सारे उन्होंने भोजन बना के पावती हैं, व्यवस्था के लिए खुद ही सब कुछ कर रही हैं। माई के किनारा है, टेकरी जमीन के ऊपर उनके आश्रम बना हुआ है, लेकिन बड़ी प्यारी है, हसमुख होके सभी को भोजन पावाना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, एक है आपके मेहरबानी। सही है, परिक्रमावासी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, उनके झोले में मां नर्मदा जी की जल गए,
उनके झोले में मां नर्मदा जी की जल गए तो किनारवासी नर्मदा किनारवासी जो है वो समझते हैं माता जी की ये भक्ति करने वाले लोग हैं, माता जी की गुणगान करने वाले लोग हैं, जो विश्व मंडल में सभी के प्रति इसका भावना जागृत हो जाएंगे, जिससे भक्ति बिना भक्ति भेक बहुत यंत्रा जो इच्छे धरती आकाश भक्ति भेग बहुत यंत्रा जो इच्छे धरती आकाश भक्ति हरि मिलनन की भेक जगत की आस। भक्ति भगवान जी से मिलने की एक महान मार्ग है और भेक जगतवासी को रिझाने के लिए है। जगतवासी अगर रिझे जाए तो अपने के लिए भोजन पानी रहन सहन सब इंतजाम कर देंगे और भक्ति से हमारे प्रभु रिझ जाएंगे। प्रभु रिझे तो हमें मोक्ष दे देंगे, जो मोक्ष का साधन केवल मानव जीवन से होता है। अब तीर्थ यात्री मणिबाई के आश्रम में रात्रि विश्राम किया, सवेरे उठ के यात्रा। लेकिन जहां तहां रास्ता दो तीन फूटे हुए हैं, किधर जाए किधर जाए, माई की महिमा इतनी विचित्र है। आप रास्ता भटक गए, पूछ रहे नर्मदे हर नर्मदे हर आवाज लगा रहे हैं। आकाशवाणी जैसे किसी ने बता दिया इस रास्ते जाओ, बायां तरफ नहीं दायना तरफ जाओ, ये आवाज मिलता है, जनता नहीं दिखता है, बहुत नजर चलाओगे नहीं दिखता है लेकिन आवाज मिल जाता है। एक बार आ रहे थे, चलते चलते एक जवान खड़े हैं सामने, उनको पूछा गया किधर से जाऊं, उसने बता दिया सीधा जाओ, ये सीधा रास्ता है जाओ। लेकिन उसने गलती बता दिया, वो रास्ता नहीं था। लेकिन तुरंत ऐसे माई की महिमा गए, एक मोटरसाइकिल वाले वहां पर आ पहुंचे, आके पूछ रहे कार किधर जाएंगे, ना हम इधर जाएंगे, नहीं रास्ता मत जाओ, ये रास्ता बता दिया तुरंत। तो कैसी माँ की महिमा, ऐसी भी बहुत बार जैसे अनजान भाव में माई रास्ता बताती रहती हैं, सभी की सहयोग दे रही हैं, जैसे माता जी की गोदी में बच्चा खेल रहे हैं, इसी प्रकार पृथ्वी परिक्रमा वासी के सारे देख रेख चलना फिरना भोजन पानी सारे इंतजाम उनने करके रखे हैं पहले से ही। तो आगे चल के हीरापुर मिल जाते हैं, रिछावर मिल जाते, रिछापुर मिल जाते हैं, जहाँ पर बताते हैं यहाँ पर रिछावर रामायण के समय में श्री राम जी के लिए रिच जाम्बवंत यहाँ पर तपस्या किया था, वही जाम्बवंत का ही स्थान है रिछावर। अभी भी वही स्थान जाम्बवंत का श्याम भक्ति की महिमा बताती हुए वर्तमान है। उसी गांव के भीतर से रामपुरा, रामपुरा से हीरापुरा पहुंचे, ये बिल्कुल माई के किनारे अवस्थित हैं। वहां पर राज राजेश्वरी मंदिर हैं, जहां पर परिक्रमा वासियों के लिए सुविधा है, रहने का भोजन पानी का सारे व्यवस्था है। लेकिन वहां पर संस्कृत पाठशाला है। नवरात्र नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ पर भागवत जी आज से शुरू होंगे, इसलिए गोबर से चौका लगा दिया। पंडित जी सारे देख रेख कर रहे थे, घर में बहुत दिन से रखा हुआ था तांबे का लोटा, ये सारे मांज के तैयार कर रहे हैं कलश यात्रा के लिए। श्री भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन सुनो, तुम भगवान का भक्ति करना चाहते हो, सोचो उदेश प्रतिष्ठप स्थिर मास नमात्मन, भूमि तुम्हारा पवित्र हो, देव भूमि भारतवर्ष पवित्रता, जमीन
पवित्र करने के लिए पहला उन लोगों ने ढूंढ के लाते गए गौ माता का गोबर, गोबर के घोल के जमीन पर लिपाई करते हैं, मिट्टी के ऊपर लिपाई करते हैं, तब जाके जमीन का पवित्रता माना जाता है। गोबर से लिपाई कर रही थी, चारों तरफ बड़े बड़े महल खड़े गए, लेकिन जहाँ पर श्रीमद् भागवत जी कथा वहाँ पर गोबर से लिपाई पुताई। केवल वहीं पर नहीं है, इसी समय गांव के भीतर से चलते समय इतनी सुंदर आंगन सजाया, वो भी देखने के लायक है। तीर्थ यात्रियों ने कहीं कहीं का फोटो उतार के नेट में भी दे रहे हैं, जिन्हें जगतवासी को पता चले कि हाँ अपने अंगना को मिट्टी से किस प्रकार सजाया जाता है। व्यक्ति का परिचय, उनका रुचि का परिचय उनके आंगना देख के पता हो जाता है। भोले बाबा आ रहे थे, कन्हैया ने जन्म ले लिया था भादो की महीना में। भोले बाबा साथ उनकी दो गण है नंदी और वृंगी, पूछ रहे थे जसोदा का घर किधर है, जसोदा का घर किधर है, गली गली पूछ रहे थे। तो गोप गोपी उनसे बता रहे थे, बाबा जी ये योगी बाबा देखिए ना, जिनके घर के सामने तुलसी माता, तुलसी कोट बड़ी सुंदर श्रृंगार है, घर के आसपास सुंदर सुंदर फूलों का झाड़ है, फूल से लदे हुए हैं। और ये भी देखना जिनके घर के आंगना में तोता कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोली बोल रहे हैं, वही घर जसोदा का है। आप भी आपके घर के आंगना इतनी सिंगार सुंदर सिंगार करेंगे तो पास में से जो कोई जाएंगे आपका परिचय जरूर कोई भक्त लोग हैं। इसलिए इनके घर में तुलसी माता जी की सिंगार है, घर में फूलों की बहार है। देखते देखते आ रहे हैं नस्तर्दी का मौसम, बहुत सारे लोगों का बगीचा इतना सुंदर का, आज का जंगल के भीतर आ रहे थे, गुलाब बागड़ जैसी गुलाब को लगा दिया, गुलाब का फूल लाल सफेद गुलाब, ये भी देखा ऊंचे वेला जैसी चढ़ रहा है, 5 फीट 7 फीट ऊंचा, मतलब फूल की बगीचा आपकी आंगना देख के परिचय हो जाता है ये व्यक्ति कैसी है। तीर्थ यात्री चल रहे थे, ये सर्दी के मौसम बसंत पंचमी नजदीक है, रास्ते के आजू बाजू आपको मिल जाएंगे मैया जी की महिमा, प्रकृति देवी का बोर फल पके हुए हैं, रास्ते के ऊपर बिछे हुए हैं। आपको रामायण की पाठ तो मालूम है जरूर, रामायण में शबरी ने अपने जीवन का नशा मर कर डाला श्री राम भक्ति के लिए, जंगल में जाती थी टोकरी लेके, जो फल मीठा है उसको टोकरी भर के लाती थी, जो खट्टा है। फूल की बगीचा आपकी आंगना देख के परिचय हो जाता है ये व्यक्ति कैसी है। फिर तीर्थ यात्री चल रहे थे, ये सर्दी के मौसम बसंत पंचमी नजदीक है, रास्ते के आजू बाजू आपको मिल जाएंगे मैया जी की महिमा, प्रकृति देवी का बोर फल पके हुए हैं, रास्ते के ऊपर बिछे हुए हैं। आपको रामायण की पाठ तो मालूम है जरूर, रामायण में शबरी ने अपने जीवन का नशा मर कर डाला श्री राम भक्ति के लिए, जंगल में जाती थी टोकरी लेके, जो फल मीठा है उसको टोकरी भर के लाती थी, जो खट्टा है उसको फेंक देती थी। रास्ते के बाजू बाजू तीर्थ यात्री परिक्रमावासी और बोर का फल उठा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनके पसंद किया झोले में डाल लेते गए। बोर का फल अपना स्थाक चीज है, इस देश में माई के किनारे सब दूर मिल रहे हैं, इसी मौसम मौसमी फसल ऋतु फल है, वो खाते हुए आ रहे हैं। अब हीरापुर गांव से तीर्थ यात्री निकले, गांव के भीतर से यहाँ भीतर से जाने का मना कर दिया, किनारे किनारे जाओ,
किनारे किनारे जहां तहां मेला बसा हुआ गए, साधु संतों का कुटिया भी मिल जाते हैं किनारे। उन लोगों ने कुटिया बना लिया, कुटिया बना के वहां पर निवास कर रहे गए। कोई भी तीर्थ यात्री से ऊंची इसी रास्ते से पार करते हैं तो उनको प्यार से बुलाते हैं, बुला के उनके पास जो भी सामर्थ्य है, चाहे नाश्ता हो, चाहे जल हो। एक तीर्थ यात्री किनारे गए, वो परिक्रमा में है, खीर बनाया था, सारे परिक्रमा वासियों को दोना भर भर के खीर खिला रहे हैं, ये खीर खाओ, खीर खाओ। बिल्कुल माई के छेड़ में पूछने से पता चला वो भी अभी भी परिक्रमा में है, लेकिन परिक्रमा के समय थोड़ा सा रुक के उन्हें तीर्थ यात्रियों को सेवा कर रहे हैं। तो कैसी है भारत भूमि, कैसी है भगवान के प्रति भक्ति करना। अगर हाँ, भक्ति का शक्ति से भगवान आपके हृदय मंदिर में बंध जाते गए, आपको कृतार्थ करते गए, आपके लिए सारे इंतजाम बना देते गए, वही अंतर्यामी अमर आत्मा आपके लिए क्या नहीं करते गए सब कुछ। श्रीमद भगवद गीता जी में भगवान जी की कहना है, नवम अध्याय, अनन्नास चिंतरंत मांग जे जना परिज पासते तेसंग नित्य विजुगतानं जोगक्षेमंग बहं महं। अनन्न चिंतन से जो मेरा भक्ति करता है, मैं उनके जोगक्षेम खुद ही मस्तक पर ढोके उनके पास पहुंचा देता हूं, देते हैं। ये प्रत्यक्ष आप अनुभव करेंगे माँ नर्मदा जी की परिक्रमा केवल नहीं, घर बैठे भगवान की भक्ति की शक्ति आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीर्थ यात्री आगे आ रहे थे, लेकिन नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य घाट घाट गांव गांव में लोग श्रृंगार करके बैठे हैं। माताजी की कृपा से आज धन धन्य से चारों तरफ भरपूर हैं। जहां पर ऊसर धूसर भूमि पड़ा हुआ था, अब जल का सुव्यवस्था होते ही देखो ना महिमा। अन्नात भवन्ति भूतानि परिजन दन्न संभव यज्ञात भवन्ति परिजनो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से जीव का उत्पत्ति होता है, वो अन्न उत्पादन चारों तरफ भरपूर है। तीर्थ यात्री शाम तक पहुंच जाते हैं बिरथारी गांव में। गांव में प्रवेश करते ही पूछा किधर जाऊं, सभी लोगों की एक ही बात है, जाओ राम मंदिर में चले जाओ। गांव में राम मंदिर के आसपास बहुत सारे युवा प्रौढ़ वृद्ध बैठे हैं, बहुत तीर्थ यात्री आ पहुंचे थे, अब अवशेष जो शाम को आ पहुंचे हैं उनको सारे राम जी के मंदिर के नीचे बड़ा भारी धर्मशाला है वहीं पर उन लोगों ने आसन जमा दिया। जो कहते हैं युवा मंडल ही इसको संभालते हैं, इतने लोग बहुत लोग आ गए तीर्थ यात्री, चाय किसी के लिए, दूध किसी के लिए, भोजन रहने की सुव्यवस्था सारे वही लोग ही कर रहे गए। लेकिन सेवा एक ऐसी मणिमंत्र है, सेवा जिस मणिमंत्र से जिसका सेवा कर रहे गए उसको वशीभूत किया जा सकता है, भले दुष्ट क्यों ना हो, भले शत्रु क्यों ना हो, सेवा ऐसी है। तो बिलथारी में राम मंदिर उन लोगों ने बनाया, वहां पर देखा सवेरे राम फेरी कर रहे हैं, एक मन भक्त लोग मिलके जय राम श्री राम जय राम कीर्तन करते करते वो लोग निकल गए। फिर आ गए माता लोगों का एक मंडली, बहुत सारे माता लोग सवेरे अंधेरे टॉर्च हाथ में उनका गांव में फेरी लगाते हुए मंदिर में आके धर्मशाला में आसन बिछा के बैठ गए। बैठ के स्तोत्र पाठ
अपने प्रवचन, उनका गुरु जी के जो प्रवचन है, प्रवचन सभी माता लोगों को बैठ के उन लोगों ने सुना रही थी और परिक्रमा वासी को सुना रही थी। माता लोगों ने बहुत देर तक बैठे कीर्तन भजन करके परिक्रमा वासी निकल रहे थे और सभी के पास जाके नर्मदा नर्मदा, बड़ी प्यार माताओं की, भगवान ने माता लोगों को बनाया सेवा, सेवा का प्रतिमूर्ति है मातृदेवी। अगर मातृदेवी सेवा नहीं किया होती तो संतान का जीवन कभी भी नहीं सुधर सकती। माताओं की महिमा बड़ी है शास्त्र में। भूमोर गोरियोसी माता सर्गात उच्चतर पिता जननी जन्म भूमिश्च सर्गाद गोरियोसी। हे माता, नर्मदा गंगा यमुना, फिर इतने होते हुए भी अपने घर की माता जिनके पेट से हमने जन्म लिया है, उनकी महिमा कौन बखान कर सकता है। एक बार एक संत को पूछ रहे थे एक युवा, कहते हैं बाबा जी आप तो बताइए माता जी की महिमा इतनी क्यों लोग गाते हैं, क्या उनका ऐसी क्या गुण है। तो बाबा जी ने कहा कल सवेरे आ जाना, कल सवेरे तुमको बताएंगे। वो सवेरे आ गए, आते ही उनने लुढ़िया करीब 2-3 किलो वजन का एक लुढ़िया उनके रखा हुआ था, सिल्ला लुढ़िया जिसमें हल्दी बांटते हैं, लुढ़िया के लिया उनके पेट के ऊपर रख के वो गामछा से बांध दिया कस के, जाओ इसको मत खोलना, दिन भर पेट में रखना। फिर सवेरे बांध दिया, शाम को यहाँ पर आना, इसको साथ लेके आना। वो बेचारा ऐसी तो पेट है, उसमें फिर लुढ़िया बांधा हुआ है पत्थर का करीब 4-5 किलो का। वो दिन भर बाबा जी के आदेश अनुसार लेते लेते सारे दिन भर घूमे, शाम को पहुंचा। पहुंचते बाबा जी पूछा तुमको कैसी लगा। बोले बाबा जी मैं थक गया, आपके आदेश पालन करते थे मैं थक गया। क्यों थका, ना इतना बड़े 5 किलो लुढ़िया को लेके मैं कैसी घूमूं। आपने बोल दिया, मैंने फेंकना ही पसंद नहीं करता हूँ, बाबा जी के आदेश पालन करूँ। ना देखो तुमने 5 किलो वजन एक लुढ़िया लेके नहीं चल सकते हो, लेकिन माता जी के पेट में तुम रहा था ना, 2-5 किलो वजन वाले एक लड़का नहीं तो लड़की 10 दिन जिनने पेट में धर के रखा था तो कितना कष्ट हुआ था। वो कहा हाँ बाबा जी मैं तो समझ गया। वही बात है, वही समझता है जिनकी समझ लेने का जागा भगवान की भक्ति से साफा हो जाता है, वही समझ सकता है क्या है, भगवान कहाँ है, मैं कौन हूँ। कोयम कोस्तम कूत आयात कौ में जननी कौ में तात। अब तीर्थ यात्री बिलथरी गांव से आगे बढ़े। हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली वासुदेव भगवान की।